हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और चैनल भाग का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वापस उसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सेल जो एक्सेल शीट की जो सेल है उसको हम कैसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जाइए। हमारे चैनल का नाम है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फॉर एस। चैनल पर जाने के बाद में दोस्तों, आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से दोस्तों आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक ओपन है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ भी डेटा है, जैसे हमारे पास नाम है और एज है, तो इसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सिंपल प्रोटेक्ट कर लिए। हम शीट में जाएंगे, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जैसे प्रोटेक्ट लिखा है इस पर प्रोटेक्ट करेंगे और 123 पासवर्ड डाल देंगे, तो इससे हमारी जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। इससे हम सेल जो भी हमारी है इसमें हम कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे नेम है, एज है, इसको कुछ लिखना चाहेंगे, हम पूरी सीट में कहीं पर भी कुछ भी एडिट या फिर कुछ भी नई चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। इसको वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट लिखा हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे 123 और एंटर कर देंगे। अब हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो नाम है वो सही कर दिया हमने, ऐसे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों चाहते हैं कि पूरी शीट में कुछ लिमिटेड पार्ट ही अनप्रोटेक्ट रहे, बाकी पूरी शीट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो ये भी संभव है दोस्तों। जैसे हमने 28 से लेके हम 26 लास्ट सेल तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ रहा है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो ये देखिए प्रोटेक्शन लिखा हुआ रहा है, प्रोटेक्शन, ये नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में जो ये लॉक लिखा रहा है इसको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो भी हमने सेल रेंज सेलेक्ट की है वो अनलॉक हो गई है। अब हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं सीट को, राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और 123 कर देंगे, वापस 123। तो इससे दोस्तों क्या हुआ, ये जो सेल रेंज थी वो अनलॉक है, इससे हम एडिट कर सकते हैं। जैसे 20 को हमने 25 कर दिया, 21 को 20 कर दिया, 22 को 25 कर दिया, कुछ भी। और यहाँ पर जैसे राज है, राज को हम महेश करना चाहते हैं, तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं पर भी कुछ टाइप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सेल जो रेंज है 25 से लेके 26, मतलब कि B2 से लेके B11 यहाँ तक कि हमने सेलेक्ट की थी, इसको ही हमने अनलॉक किया है, बाकी जो हमारी पूरी सीट है वो लॉक है। इसको वापस अनलॉक करने के लिए दोस्तों, वापस इसको सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये फॉर्मेट सेल जो इनेबल नहीं आ रहा, डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि हमने सीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पहले राइट क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट कर देंगे और पासवर्ड डाल देंगे 123, ओके कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, पूरी सीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हो जाएगा, जैसे तो वापस जाएंगे इस पर और पूरी सीट को जो है जो रेंज थी एज रेंज इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए ये इनेबल हो गया है फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो लॉक हमने अनचेक किया था इसको वापस हम चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या हुआ दोस्तों, ये भी लॉक हो गया है। अब वापस हम इसको प्रोटेक्ट करके देखते हैं,
प्रोटेक्ट करने के, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 123 एंटर 123 एंटर। तो इससे क्या हो गया, ये भी हमारे प्रोटेक्ट हो गया। अगर इसको हम 25 के लिए 26 करना चाहें तो 26 नहीं हो पाएगा कहीं पर भी, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ जो रेंज हमने जो सिलेक्ट की थी उसको हमने वापस लॉक कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सीट को प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना और सेल रेंज को या स्पेसिफिक सेल को लॉक और अनलॉक करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।